तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक वॉलपेपर की जो मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया है। मैं आपको बताऊँगा कि फ़्लिपकार्ट से आखिर वॉलपेपर जो दिखता है ऑनलाइन वेबसाइट की, जो फ़्लिपकार्ट की है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जो दिखता है सच में वही रहता है या वो नहीं रहता है, ठीक है। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा उसका, ठीक है। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा वो पार्सल, देख सकते हैं ये वो वॉलपेपर है, मैं आपको दिखा दूँ। हालांकि इसमें मेरी डिटेल है तो थोड़ा सा छुपा के, लेकिन फिर भी देख सकते हो अभी ये है, इतना बड़ा है वो, मेरे फ्लिपकार्ट से आया है पार्सल ये। चलिए मैं इसे आपको खोल के दिखाता हूँ, मैं यहाँ से इसको काट कर देता हूँ। देखते हैं वही सेम टू सेम वही वॉलपेपर आया जो मैंने पसंद किया था, कोई दूसरा वॉलपेपर आया है। तो आप देख सकते हो ये रहा वो वॉलपेपर, इससे पहले आप इसको देख सकते हो, ये इसका जो पर्ची मिलती है फ्लिपकार्ट की तरफ से, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो बहुत स्कैम भी हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बाद इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से खाली है। चलिए इसको हम साइड में रखते हैं और उसके बाद मैं आपको वॉलपेपर दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हो पिचक गया है ये, कहीं कहीं पे दब गया होगा। तो आप देख सकते हो मैंने तीन लिया था, तो ये तीनों ही सेम है। चलिए मैं इसको किनारे साइड में रख देता हूँ, आपको एक ही दिखाता हूँ। और ये हमें मिलता है जो हमारे किसी काम का नहीं है शायद, आप देख सकते हो ये है वो। लेंथ ठीक ठाक है, ज़्यादा वैसी बड़ा लेंथ है नहीं। और यहाँ पे इसके बारे में कुछ डिटेल दी गई हैं, तो देख सकते हो। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने जिस कलर का मंगाया था, जैसा दिख रहा था फ्लिपकार्ट का ऑफिशियल जो ऐप है, तो वो सेम इसी तरह का दिख रहा था, सेम इसी तरह से मुझे मिला है। तो अब ठीक ठाक है, जो भी अगर आप वॉलपेपर लेना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से तो डेफिनेटली आप ले सकते हो वॉलपेपर फ्लिपकार्ट से। आप देख सकते हो ये इसकी साइज़ है, चौड़ाई में ये इतना है। और उसके बाद जो लेंथ है इसकी, जो लंबाई है ये 500 मीटर है, ठीक है, सॉरी 500 सेंटीमीटर है, 500 मीटर नहीं है, 500 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए इसे मैं अब आपको खोल के दिखाता हूँ। अब देख सकते हो मोटे में ऐसा दिखता है, इतना मोटा है ये। और इसे मैंने ओपन कर दिया है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा टिप लगा हुआ है, तो मैं इसे पहले काट लेता हूँ। तो इसे मैंने काट लिया है, अब मैं इसे आपको खोल के दिखाता हूँ। अब देख सकते हो ये वही वॉलपेपर है जो मैंने मंगाया था, सेम टू सेम वही वॉलपेपर है, बट मुझे थोड़ा लाइट कलर नहीं लग रहा है, थोड़ा डल कलर मुझे लग रहा है। और बट मैंने जो मंगाया था ये वही है, ठीक है, आप देख सकते हो। वो वॉलपेपर, अगर आप वॉलपेपर लेना चाहते हैं डेफिनेटली आप ले सकते हो, जैसा दिखता है ऐप पर वैसे ही सेम रहता है। तो फिलहाल वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हो इसे मैंने अपने वॉल पे लगा दिया है और ये ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा डल हो गया है, मुझे थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए था, बट कोई बात नहीं, जैसा भी ठीक है।